अस्सलाम वालेकुम हुजूर। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। सन 1984 से मैं यहाँ हूँ। तो सवाल मेरा ये है कि स्वर्ग में यहोवा इधर एक मजहब है, क्या मतलब है यहोवा? हाँ, ये यहोवा ईसाइयत की एक शाख है। हाँ, ये तो उसमें काफ़ी सारी बद रसूमात जो मुझे इलम है काफ़ी सारी नहीं है, उनसे तबलीग के सिलसिला में काफ़ी बातचीत होती है काफ़ी, लेकिन जब तक पढ़ने पे आता है या ऐसी कोई वीडियो कैसे या इस तरह का आता है, देखना तो ये हुआ विटनेस वाले हैं जी, ये बड़े फ़ाल मुबल्लिग हैं ईसाइयत के जी, लेकिन इनके पीछे कोई सियासी तार पौध भी है। अफ्रीका में ये बहुत एक्टिव हुए थे, वहाँ की बात ढूंढते ने इस बिना पर कि उनके पास ये शवाहिद थे उनके कहने के मुताबिक कि ये दरअसल ये अमेरिका के जासूसी के निज़ाम का हिस्सा हैं, उनको वहाँ काम करने से रोक दिया और ऐसी हुकूमतों में रोका गया जहाँ सरबराहुल ईसाई था, इसलिए इन लोगों के मुतल्लिक कुछ पुरअसरार बातें हैं जिनके मुतल्लिक अभी हम यकीन से नहीं कह सकते कि इनका क्या मकसद है, क्यों कर रहे हैं, कहाँ से इनके पैसे आते हैं, कौन सपोर्ट करता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये लोग बहुत ही होशियार और बड़े सख्त जिद्दी हैं। आम आदमी, आम अहमदी जो इनकी चलाकियों को ना समझता हो, इनसे मुश्किल से निपट सकता है। इसलिए हिंदुस्तान में जब ये इन्होंने एमएलयू के घरों के दरवाजे खटकाने शुरू किए तो हमारे बाल बच्चों को पता नहीं लगता था क्या जवाब दें। उनको मैंने एक दो बातें सिखाई और जहाँ जहाँ भी वो इस्तेमाल हुई अल्लाह ताला के फजल से ये लोग बिल्कुल लाजवाब होकर भाग गए। मैंने उनसे कहा कि तुम इनको हमला करने से पहले तुम इन पर हमला करो और बाद मुअय्यन सवाल इनसे करो, और एक सवाल की तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ जो मैंने कुरान करीम से सीखा है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है तो अन्ना यकून लहू वलद लम तकुन लहू साहिब, खुदा का बेटा कैसे हो सकता है जब उसकी कोई बीवी नहीं है, समझ गए? तो मैंने उनसे कहा कि उनसे ये सवाल करो कि हजरत मरियम खुदा की बीवी थी या नहीं थी, अगर बीवी थी तो खुदा ने अपना निकाह पढ़ा लिया था उनके साथ, पक्की बीवी बन गई थी, तो वो क्या जवाब देंगे? अगर बीवी नहीं थी तो जो बेटा पैदा हुआ वो नाजायज बेटा है, अगर बीवी थी तो इनका अपना अकीदा ये है कि ईसाइयत में तलाक नहीं है और ना हजरत मरियम का खुदा से तलाक हासिल करना साबित है, तो फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो एक वक्त में दो खामंद हो गए ना, खुदा अपनी जगह खामंद मौजूद और दूसरा खुदा यूसुफ हो गया, दूसरा खामंद यूसुफ बन गया। तो वो इस्लाम की चार बीवियों पर तो हंसते हैं, एक मसीह की माँ के दो खामदों पर क्यों नहीं हंसी आती उनको? जब ये सवाल किया गया तो जिन्होंने किया उन्होंने मुझे बताया कि उनके रंग फक हो गए, कोई जवाब नहीं बन पड़ता था। उन्होंने कहा नहीं, पहले साबित करो मसीह खुदा का अगर बेटा है तो उस लाजिम है कि खुदा की बीवी हो, और यही कुरान ने नुस्खा सिखाया है लम तकुन लहू साहिब, जब इनको कुरेदोगे तो खुद ये इनको मानना पड़ेगा कि खुदा की बीवी नहीं है, अगर बीवी नहीं है तो बेटा अगर इससे पैदा हुआ है वो फिर जायज बेटा नहीं है, और बीवी होना बेटे के लिए लाजिम है। तो इस किस्म के बाद और सवाल भी थे जब मेरे पास आए, पहले आना शुरू हुए थे एक दो बार, जब मैंने वो सवाल किए तो फिर उसके बाद कभी मुंह नहीं दिखाया। तो एमएलएओं को भी जवाबी कार्रवाई की बजाय पहले इन लोगों पर ऑफेंसिव लेना चाहिए। इस्लाम के अकायद इतने कती, इतने ताकतवर, इतने माकूल हैं कि ईसाइयत का जो मौजूदा ताना बाना है जो इन्होंने खुद बनाया हुआ है, वो ईसाइयत जो मसीह पर नाजिल हुई वो मवाहिद खुदा वाहिद पर यकीन मानने वाली थी,
جو عیسائی اب انہوں نے بنا لی ہے یہ ہوکس پوکس ہے, اس میں کوئی بھی جان نہیں ہے. تو جب آپ عقلی نقطۂ نظر سے ان پر جب آپ حملہ کریں تو ان کی پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے. اس لیے یہی لائن آپ یہوہ وٹنسز کے مقابل پر اختیار کریں. لیکن اس کے علاوہ ایک اور آپ سے میں بات بتاتا ہوں کہ اسپین میں گزشتہ دورے کے وقت میں نے جو مجالس میں عیسائیت پر عقلی نقطۂ نگاہ سے تنقید کی ہے, خالصتاً عقلی نقطۂ نگاہ سے, اور واپس آنے کے بعد جب میں نے دیکھا اس کو ٹرانسکرائب کرایا تو پتہ چلا کہ بہت سے اس میں خلاف ہے. چنانچہ پھر میں نے دوبارہ وہی تقریر ڈکٹیٹ کروائی ہے مزید وسعت دے کر. وہ اب آخری شکل میں کتابی شکل میں تیار ہونے کے لیے انتظار کر رہی ہے, تیار ہو چکی, قریباً ہو چکی ہے, چھپنے کا انتظار کر رہی ہے. وہ جب چھپ جائے گی تو پھر آپ یہوہ وٹنسز والوں کو وہ پڑھا کر دیکھیں, پھر دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں. کوئی بھی جواب ان کے پاس نہیں ہوگا, میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں. تو انتظار کریں اس کا جرمن میں ترجمہ ہو, اور پھر کثرت سے جو وٹنسز والوں کو دے کر چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ ان باتوں کا جواب پہلے لاؤ پھر آگے ہم سے بات کرنا. سمجھ گئے حضور؟ لاجواب تو وہ ہو ہی جاتے ہیں, لیکن سب سے مست جو ہے نا وہ جب کنارہ آتا ہے وہاں سے وہ سننے پہ راضی نہیں ہوتے. اس کے لیے حکمت عملی ہے. پہلے تک تو پہلی جواب دے چکا ہوں کہ وہ لوگ ضروری نہیں ہیں کہ مخلص ہوں مذہب میں. ہو سکتا ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا شک ہے, بعض حکومتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ محض ایک انٹیلیجنس کا تانا بانا ہو. ٹھیک ہے, ایسی صورت میں آپ کی معقول دلائل کو وہ توجہ سے نہ سنیں گے نہ انہیں قبول کرنے پر آمادہ ہوں گے. اس لیے ایسے لوگوں سے سر ٹکرانا وقت کا ضیاع ہے. لیکن اگر آپ نے بات ویسے چھوڑ دی تو وہ کہیں گے تم بھاگ گئے ہو. میں کہتا ہوں بات اس طرح چھڑوائیں کہ وہ چھوڑیں اور وہ بھاگیں. ٹھیک ہے, یہ جواب دے رہا ہوں آپ کو میں. جزاک سمجھ گئے ہیں جی, شکریہ. ظہور مہدی آخر زمان